अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी अब पूरे फॉर्म में आ गए हैं और खुलकर सत्ताधारी दल और सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। 9 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने लीक से हटकर लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। नमस्कार, एएनबी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खास बात और मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा। दरअसल कांग्रेस सांसद कर्नाटक मामले को लेकर लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे थे और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी ने भी बाकी के कांग्रेस सांसदों का साथ देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अभी तक ऐसा कम ही देखने को मिला है जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर इस तरह से आक्रामक होकर नारेबाजी की हो। इसके अगले ही दिन 10 जुलाई को राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे और वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से दूरी बनाकर किए गए इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ये भी पक्का किया कि भले ही वो अमेठी से चुनाव हार गए हों लेकिन अमेठी छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भले ही अब वे वायनाड से सांसद हैं और ऐसे में उन्हें वायनाड को वक्त देना होगा लेकिन अमेठी के कार्यकर्ताओं का भी मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं अमेठी से 15 सालों तक सांसद रहा हूं और अमेठी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। अगर आप लोग मुझे आधी रात को या सुबह 4 बजे भी बुलाओगे तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी किसानों की बदहाली और बेरोजगारी जैसे मसले पर कटघरे में खड़ा किया। यहां पर आपको ये भी बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों में अमेठी से हारने के बाद बीजेपी की स्मृति ईरानी ने भी यही किया था। 2014 के लोकसभा चुनावों में हारने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी जाना नहीं छोड़ा, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने में कामयाब हुई। अमेठी की हार है जिसने ही कांग्रेस और राहुल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, क्योंकि 1967 से अमेठी लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद ये तीसरा मौका है जब कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हार का सामना करना पड़ा हो। साथ ही इतिहास में यह दूसरा मौका है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में चाहे राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों के लिए ही इस हार को हजम कर पाना इतना आसान नहीं है और यही हार है जिसे राहुल गांधी को याद रखना होगा। कांग्रेस को एक बार फिर यहीं से खड़ा करने की शुरुआत करनी होगी और राहुल गांधी इसकी शुरुआत करते दिख रहे हैं। इसका एक नज़ारा उस वक्त भी देखने को मिला जब अमेठी दौरे से वापस लौटने के अगले ही दिन 11 जुलाई को राहुल गांधी सभी कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते दिखे। कर्नाटक और गोवा में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के खिलाफ कांग्रेस का संसदीय दल संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहा था और राहुल गांधी इस प्रदर्शन में पूरी गर्मजोशी के साथ शामिल होते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ धावा बोला और सरकार पर किसानों की कोई सहायता न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही केरल में एक किसान की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब पूरे फॉर्म में आ चुके हैं? हालांकि अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी खुद आगे आकर कई मौकों पर पार्टी को अभी भी लीड कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि भले ही उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया हो लेकिन अध्यक्ष पद ने उन्हें नहीं छोड़ा है। या फिर अगर इस पूरे वाक्य को राहुल गांधी के शब्दों में ही कहा जाए तो चुनाव परिणाम आने के बाद कहा था कि भले ही उनकी पार्टी के केवल 52 सांसद चुनकर आए हों लेकिन वो विपक्ष में एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। आने वाले वक्त में ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कितनी मुखरता से पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं और अब जबकि कोई पद उनके पास नहीं है तो वो कितना फ्री होकर काम कर पाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।